বেশ কয়েকটি রাজ্যে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আজও। এ নিয়ে আবহাওয়া দপ্তর কি জানিয়েছে এক নজরে জেনে নেওয়া যাক। आज मैं आपको पिछले 24 घंटे में मौसम किस तरीके का रहा और अगले 7 दिनों में किस तरीके के मौसम रहने की संभावना है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने जा रही हूँ। पिछले 24 घंटे के दौरान जो मेजर रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है वो है कोदूर में 14 सेंटीमीटर रैल सीमा के ऊपर, फिर मरगांव और दुर्गापुर में 11 सेंटीमीटर, दुर्गापुर मतलब गैंगटिक वेस्ट बंगाल के ऊपर, और मरगांव जो कि कॉन्करेंट गोवा है इनमें हैवी रेनफॉल देखा गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। कल का डिप्रेशन जो कि वेस्ट सेंट्रल और बे ऑफ बंगाल के आसपास रीजन में तमिलनाडु साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट के पांडिचेरी और नेल्लोर के बीच में स्थित था वो 4:30 बजे उस एरिया में क्रॉस हो चुका है और 5:30 बजे फिर ये और कमजोर होता हुआ वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में बदलकर साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु पर स्थित हो गया था। फिर 8:30 बजे ये और उसी एरिया में स्थित रहा। अब अगले 6 घंटे के दौरान अब ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव करता हुआ और कमजोर होता हुआ लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। अब इस प्रेजेंटेशन के हाइलाइट्स की बात करें तो अगले 4-5 दिनों में साउथ पेनिसुलर इंडिया में भारी बारिश होने की संभावना है और एक नया फ्रेश जो लो प्रेशर एरिया है वो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में लगभग 22 अक्टूबर के आसपास बनने की संभावना है। अब अगले 7 दिनों के लिए वर्षा की चेतावनी की बात करें तो 17 तारीख को कोंकण एंड गोवा, इंटायर कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र, केरला, रायलसीमा व कोस्टल आंध्र प्रदेश पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 18 तारीख के लिए बात करें तो तमिलनाडु साउथ इंटीरियर कर्नाटका पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 19 तारीख के लिए बहुत ज्यादा चेतावनी नहीं है लेकिन सिर्फ गुजरात के ऊपर भारी वर्षा होने की संभावना है। 20 अक्टूबर के लिए बात करें तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु व अंडमान निकोबार पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 21 तारीख के लिए बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, अंडमान निकोबार पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 22 तारीख के लिए केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। 23 अक्टूबर के लिए ओडिशा व केरला पर भारी वर्षा की चेतावनी है। अब मछुआरों के लिए एक चेतावनी की बात करें तो मछुआरों को यही हिदायत दी जाती है कि इन ग्राफिक्स में जो जो मार्क्ड एरिया है वहाँ पर अगले 5 दिनों में ना जाएं।